बोला पीछे हो जाओ ना, बोला सब पीछे हो जाओ। आप सब लोगों ने मिलके और विश्वविद्यालय प्रशासन को राज्य सरकार को साफ रूप से जताएगा, यदि हमारी संपूर्ण जो शासन है या तो भी मांगे ये कि विश्वविद्यालय राज्य सरकार नहीं मानती है, तो आने वाले समय में हम ज़्यादा छात्र शक्ति और युवा शक्ति ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करती, कार्य करने में विश्वास करती है। मेरा सभी आभार लोग होंगे तो राज्य सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ, जो विश्वविद्यालय ने जो मुकदमे में इस प्रकार से कर्मचारी संघ रविंद्र सिंह के ऊपर दिए हैं उनको पूर्ण रूप से उन्हें वापस आना चाहिए। कि आप देख सकते हो कि एक अगर शिक्षा के मंदिर में अगर कोई छात्र पढ़ता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या वो असली हरकत कर सकता है? नहीं, 80 साल के सेवानिवृत्त कर्मचारी वो ये असली हरकत कर सकते हैं? नहीं, घटिया घटिया उन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है कि आज ये विश्वविद्यालय को ऐसे नौबत आ गई कि वो ऐसे मुकदमे दर्ज करवा रही है उनके ऊपर, और विश्वविद्यालय को पहले से पता था कि कर्मचारी संघ ने और छात्र शक्ति ने पहले पूर्ण रूप से ज्ञापन दिए थे, उसके बावजूद में मौखिक और लिखित रूप में इन्वर्ट करवा के उनको ज्ञापन दिए, उसके बावजूद में भी विश्वविद्यालय ने किसी प्रकार की भी चीफ प्रोटेक्टर की जवाबदारी होती है कि वहाँ पे करीबन 100 गार्ड वहाँ पे नियुक्त करें, जानबूझ के उन्होंने गार्ड नियुक्त नहीं किए। और आज आप देख लीजिए, एक सवाल एक और खड़ा होता है, ऐसे साखला को क्यों निलंबन करना पड़ा विश्वविद्यालय को? उसको निलंबन नहीं किया मगर हटाया क्यों गया? उन पर निलंबन की कार्रवाई करनी चाहिए थी उनको। हटाना और निलंबन बहुत बड़ा फर्क है, इसका मतलब आप सोच लीजिए कि उन्होंने कुछ न कुछ और FOB इस प्रकार से उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया, उनका कोई मौलिक अधिकार भी नहीं बढ़ता है मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, ये तो रजिस्ट्रार का कार्य था। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, मंगलाराम जी पूर्व में उन्होंने 2007 में मुकदमा दर्ज है विद्या जेल के, उनको तो पता है सारी चीज़ें पता है। और ये जिस प्रकार से जो कमेटी के अंदर जो जाँच करता भी कमेटी वाले हैं, शिकायत करता भी कमेटी वाले हैं ओम प्रकाश जी प्रोफेसर साहब, ये पूरी धांधली है। पूरा विश्वविद्यालय ने पहले से तय कर लिया था कि इनको किसी प्रकार से फंसाना है, जान बूझ के ये फंसाया गया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आगे अगर भविष्य में विश्वविद्यालय और राज्य सरकार नहीं चाहतेगी तो युवा शक्ति समस्त मुख्यालय उपखंड संभाग में जाके प्रदर्शन करेगी और ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे से आगे उग्र आंदोलन होगा। इससे ज़्यादा बड़ी बात कह नहीं सकता, क्योंकि छात्र हमेशा अपने हितों के लिए आगे बढ़ा और आगे थोड़ा युवा साइड में रहो हमें। एक बार थोड़ा नहीं होया रिक्शा आगे आ जाता से मौखिक और लिखित रूप में कर्मचारी संघ ने अवगत करवा दिया था, 11 तारीख को भी करवाया था, उसके रूप में मौखिक रूप में भी लेके आए थे, लिखित में भी वो इंगित करवा के आए थे। विश्वविद्यालय में वहाँ पर किसी प्रकार की ना तो पुलिस की सूचना दी ना तो चीफ प्रोटेक्टर की जवाबदारी बनती है वहाँ पे पूर्ण रूप से गार्डों की नियुक्ति करनी चाहिए, वहाँ पे एक भी गार्ड नहीं उपस्थित था। मैं तो कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे सांपा साहब को हटाया गया है, किस रूप से हटाया गया है, तो उन्होंने गलती के तब भी हटाया गया है। ये विश्वविद्यालय खुद में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि निलंबित ऐसे जो है उनको निलंबित करना चाहिए, हटाया क्यों गया? विश्वविद्यालय को पता था कि गार्ड की नियुक्ति उनको करनी थी, दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय करवा रहा था, पर पिछले सत्र में जो 10 ग्राम का सोना जो विद्यार्थी को मिलता था, जो विद्यार्थी मेहनत करके आगे आता था, उनका 2 ग्राम का सोना मिलता है गोल्ड मेडल के मात्र के नाम पे, ये बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं कहना चाहता हूँ विश्वविद्यालय ने आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार से 7 से 10 मांगे हमने भी यहाँ पे सौंपी है वहाँ पे, और हम ये चाहते हैं कि ये मांगे सपूर्ण रूप से मांगे। मुख्य मांग हमारी यही है कि रविंद्र सिंह और समस्त जो सीनियर नागरिक है जो मोहन सिंह जी भाटी है और समस्त उनको रिहा किया जाए जल्द से जल्द, यही हमारी मुख्य मांग है। और बाद में जो SHO थाना अधिकारी मोहन सिंह ने निलंबन किया,
बिल्कुल सरासंपूर्ण रूप से गलत है, इस पर भी जांच होनी चाहिए और विश्वविद्यालय में खुद पर एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि उस दिन जो 27 तारीख को जो दीक्षांत समारोह वहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं थी। आगे क्या रणनीति है? आगे की हमारी कार्रवाई ये रही कि जिला उपखंड मुख्यालय पे संभाग में हम जगह जगह ज्ञापन देंगे, उसके बाद में पूर्ण रूप से जो भी आगे जो भी रणनीति बनेगी उसको आगे लेके जाएंगे। मेरा नाम कुणाल सिंह भाटी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जोधपुर विश्वविद्यालय। आप मुख्यमंत्री के नाम मुख्यमंत्री।